जय हिंद बच्चों, नमस्कार। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तुम ही तुम हो। क्या बात है सर, किसके लिए ये? मैंने इसके पहले ही बोला, मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने कहीं लाइन सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये लाइन समर्पित है अपने उन सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो अपने को अंडर प्रिविलेज समझते हैं, जो समझते हैं कि उनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो और लोगों के पास नहीं है, और जिनके दिल में तमन्ना है नीट के महासागर को तोड़कर एक अच्छा डॉक्टर बनकर समाज में नाम कमाकर अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी भिन्ना। अमन सर, आप जानते हैं कि परिवर्तन के साथ अवतरण को ही विकास कहते हैं, बिल्कुल सर, और नीट 2024 का बहुत परिवर्तन का साल है। हमने एक वीडियो डाला था, मुझे लगता है कि सारे बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते, नई पुरानी दोनों एनसीईआरटी। जी तो मैंने एक वीडियो डाला था केमिस्ट्री के लिए कि अगर नई एनसीईआरटी तो उनको क्या पढ़ना है, पुरानी एनसीईआरटी तो उनको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, मतलब एनएमसी के सिलेबस में क्या दिया है, बाकी बच्चों की इच्छा। जी तो अमन सर, हम लोग फटाफट बता दें कि अगर बच्चे के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो क्या एनएमसी पढ़ना है के और क्या सिलेबस के छोड़ना है, हिसाब से उसको क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। छोड़ना है? ओल्ड की एनसीआरटी, तो ओल्ड सबसे पहले एनसीआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी। तो अमन सर, अगर बच्चे के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो हम लोग लिख दिया चैप्टर का नाम, यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन, यहाँ पर एडिट पोर्शन। एडेड पोर्शन, तो पहला चैप्टर कौन सा है? सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, साइंटिफिक नोशन, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना सब है। पढ़ना है। अब ये एटॉमिक देखिए स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवरी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, हट गया नहीं है, पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना बाकी है। सब पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग एज सच है, सेम एज प्रीवियस पीरियाडिक टेबल में हमें लगता है हिस्ट्री नहीं जेनेसिस। पढ़नी है, जी जेनेसिस ऑफ पीरियाडिक टेबल, बाकी सब पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर पूरी तरीके से हट पूरी गया। तरह से हट गया है। जी थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल वैसे ही है, इक्विलिब्रियम बिल्कुल वैसे ही है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में बता दीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, कितना हट गया हट है? गया है। हाइड्रोजन पूरा फुल हटा, एस चैप्टर ब्लॉक पूरा हटा, इन्वायरमेंटल पूरा हट एनवायरमेंटल गया। केमिस्ट्री पूरा हट गया, सम सम बेसिक प्रिंसिपल बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री, में सेम ये एज बिल्कुल प्रीवियस। सेम है। जी हाइड्रोकार्बन में कार्सिनोजेनिटली टॉक्सिसिटी नहीं टॉक्सिसिटी है, है। जी सॉलिड सेम, स्टेट पूरा पूरा हट चैप्टर गया। हट गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेम सेम एज एज प्रीवियस। प्रीवियस, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हट गया? कोरिजन। कोरोसन केमिकल काइनेटिक्स सेम एज सेम एज प्रीवियस, प्रीवियस। मेटलर्जी पूरा हट गया, सरफेस केमिस्ट्री पूरा हट गया, डी ब्लॉक डी सेम एफ एज, ब्लॉक बिल्कुल सेम है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सेम सेम एज। है। हेलो एल्केन हेलो एरिन में मिथाइलिन फ्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड हट टेट्राक्लोराइड, गया है। जी एल्कोहल फिनाइल ईथर वैसे सेम। ही है, एल्डिहाइड कीटोन वैसे ही है, केमिकल टेस्ट ऐड हुआ है, जी सर, एडेड है, इसका केमिकल एडेड टेस्ट है। एड है। और प्रैक्टिकल में एमीन्स सेम सेम है, एज प्रीवियस, बायो मॉलिक्यूल सेम सेम है, एज। पॉलीमर सेम है, पॉलीमर पॉलीमर हट गया पूरी पूरा तरीके से। हटा है, जी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा हटा है, पी ब्लॉक सारे कंपाउंड को हटा दिया हटा गया दिया है। गया है। इसके बाद न्यू एनसीईआरटी, अब न्यू एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं। अगर बच्चे के पास नई एनसीईआरटी है तब उसको क्या करना है? सॉल्यूशन सेम। सोल्यूशन सेम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरिजन हटा है, जी केमिकल काइनेटिक सेम है, डी एफ ब्लॉक सेम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम है, हेलो अल्केन, हेलो हेलो एल्केन एरिन्स, हेलो एरिन में मिथाइलिन मेथाइलेशन क्लोराइड क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड डिलीटेड है, नहीं है, नॉन एल्कोहल एनएमसी। फिनाइल ईथर सेम है, एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल टेस्ट हटा है, कार्बोक्सिलिक जी एसिड सेम है, एमीन्स सेम है सेम है। एज प्रीवियस, क्योंकि हाँ इसमें रिड्यूस करके दिया है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट सिग्नल फिगर हट फिगर, गया है। जी एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल हट गया है। पीरियाडिक टेबल में जेनेसिस ऑफ पीरियाडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग सेम सेम है, थर्मोडायनेमिक सेम सेम, है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम सेम सेम है, है, रिडॉक्स रेडॉक्स में टाइप ऑफ रिडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन रिएक्शन, हटा दिया गया डी है, ऑर्गेनिक और बायो केमिस्ट्री। मॉलिक्यूल सेम है, पी ब्लॉक में ऑल कंपाउंड डिलीटेड एक्सेप्ट फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट फैमिली। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखिए आपकी समरी भी है, जो चैप्टर हटे हैं पुरानी एनसीईआरटी से या नीट 2023 से, स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, मेटलर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे एवरीडे लाइफ, लाइफ, पॉलीमर, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टॉपिक ऐड हो गए हैं प्रैक्टिकल के, जी इतना है ना। बस इतना ही। तो प्यारे बच्चों, आप सबको केमिस्ट्री में भी बता दिया कि अगर नई एनसीईआरटी है तो क्या चीज डिलीटेड है और क्या ऐड है। देखिए यहां पर चैप्टर का नाम है, यहाँ डिलीटेड है, यहाँ एडिड है। पूरी कोशिश की है बच्चों की वीडियो बिल्कुल सही हो, फिर भी आप देख लीजिए, अगर कोई करेक्शन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट में सेलेक्ट होने के लिए
स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ 1984 से लगा हूं और मेरी आदत है कि कम पढ़ा के बच्चों को सेलेक्ट करा देना। क्या छोड़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्योंकि बच्चों वैसे भी नीट के एक दिन पहले आप सब रिवाइज तो नहीं कर पाओगे। तो अभी से एक कॉपी बना लो कि नीट के एक दिन पहले आपको क्या रिवाइज करके जाना है। बहुत जल्दी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुकलेट मिलने जा रही है, फुल सिलेबस टेस्ट आपका हो रहा है। केमिस्ट्री के बेटा और फिजिक्स के जितने भी एडिट टॉपिक हैं, बायो के जितने एडिशनल टॉपिक हैं, इनके वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ऐसे चैप्टर पे बच्चों हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना है जो दो जगह कॉमन है, जैसे बायो मॉलिक्यूल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो आज बायो मॉलिक्यूल की क्लास भी है 2 बजे से, उसको जरूर अटेंड करिए। इसके बाद इसका टेस्ट भी होगा। घंटा देख के मत पढ़िए कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ये सोच के पढ़िए कि हमें इतना पढ़ना है, जितना खत्म करना तभी उठेंगे। और साथ में हर हफ्ते में कुछ नंबर को पक्का करते जाइए। जो चैप्टर आपको बहुत टफ लगते हैं उनको छोड़िए और जो सही है उनको बिल्कुल पक्का करिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस एक चीज बोलेंगे कि दिन रात 24 घंटे आपका ख्याल रहता है, क्योंकि मैं भी जिस पृष्ठभूमि से आया था मुझे भी लगता था मुझे कोई सपोर्ट मिले, आज मैं उस लायक हूं तो मुझे आपको सपोर्ट करने का मन करता है। कुछ सीमाएं होती है किसी सिस्टम की, बहुत लोग सिस्टम में काम करते हैं इसलिए बच्चों एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, बिल्कुल विश्वास करिएगा कि जैसे हमने फिजिक्स का फार्मूले का एक लिस्ट आपको दी थी कि उसी तरह सवाल आते हैं, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी बना के देने वाले हैं। और कुछ लगे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बार बार बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि आपका जो सपना है टीम न्यूलाइट का संकल्प है, और जिस तरह से नीट 2021, नीट 2022 और नीट 2023 में सेलेक्ट होकर हम लोग बच्चों का इस तरह से शानदार गेट टुगेदर करते हैं, एक उम्मीद देखिए नीट 2022 और इसी तरह से नीट 2023, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब प्यारे बच्चों जान लगा दोगे और ये मौका जरूर दोगे हम लोगों को, हमको, पूरी टीम न्यूलाइट को, कि इस तरह से हम लोग 21-22-23 की तरह नीट 2024 का कार्डिया भी खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें। फिर से बच्चों एक बार वही अपने दिल की आवाज आप तक पहुंचाना चाहेंगे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तुम ही तुम हो। कितना भी बच्चों चेंज हो जाए, कितना भी बदल जाए, नेचुरल सिलेक्शन उसका हो ही जाता है जो अपने आप को नेचर के हिसाब से एडाप्ट कर लेता है। क्योंकि कहा जाता है 1000 बर्फ गिरे, 1000 आंधियां आए, वो फूल खिल के रहते हैं जिनको खिलना होता है। अपने आप को एडाप्ट करो और इस साल सिलेक्शन बहुत आसान है, और सही लाइन लेंथ नहीं पकड़े तो ये साल बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे करते जाइए। ये हमने बच्चों बायो और केमिस्ट्री दोनों का आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का बना के दे दिया। फिजिक्स में 20-20 से टॉपिक हटे, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो वो काम भी कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी टेस्ट सीरीज न्यूलाइट की देखिएगा, पिछले साल भी 21 में 22 में 23 में अगर पूरा टेस्ट दिया है तो कितने नंबर नीट में आते हैं। बिल्कुल बेटा डायरेक्ट अटैक करता हूं मैं, किस चीज के ऊपर? पेपर के ऊपर। क्योंकि मुझे पता है सिलेबस आ गया, टाइम भी पता चल गया, कुछ भी दाएं बाएं नहीं होना है। आज से भी शुरू करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन सही लाइन लेंथ पकड़ के चलना है। जो जो बताया गया उसको थोड़ा कम पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन जो एनएमसी का सिलेबस है उसको पूरा तैयार करो। नीट में सिलेक्शन बहुत आसान है। बहुत जल्दी बच्चों आपको एक्सपेक्टेड स्कोर बता के देने वाले, जिस तरह का पेपर हमें लगता है, और उसके बाद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सारी कैटेगरी के लिए क्या करना है ये भी बताएंगे। क्योंकि हर मर्ज की एक दवा नहीं होती, तो अपने मर्ज के हिसाब से दवा खाइए। कैटेगरी वाइज बता देंगे, इतना पढ़ लो इतना काम चल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का जो फार्मूला दिया था उस पर 5-5 सवाल की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो कुछ बच्चों की उस पर जूम पे क्लास भी करा देंगे, बहुत नॉमिनल फीस पर। हम टीचर से बात कर रहे हैं ताकि वो फार्मूले कैसे डराइव हो रहे हैं और उनपे 5-5 सवाल की प्रैक्टिस करा दी जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर ना आए उससे। अरे भैया 21 में आया वैसे ही 22 में आया, 23 में आया, 24 में भी आएगा। 24 कोई पहाड़ थोड़ी होने वाला है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।